हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने का सीखेंगे कि कैसे हम लोग 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है x² - 2x + 6, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालेंगे, एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी सी मानते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे x² दिया हुआ है, माइनस का 2x है प्लस 6 है, देखिए इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो ए बराबर हम लोग मान लेंगे एक, बी बराबर देखिए, बी बराबर इसके सामने देखिए माइनस का 2 है तो लिखेंगे माइनस का 2, और सी बराबर क्या है तो 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या कि 1 बटा अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बटा में अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा तो बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा से बीटा कटेगा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको बढ़िया से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं, बीटा, है ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि सुनेको का योग निकालेंगे और सुनेको का गुणनफल, यानी हम लोग यहाँ पे आगे निकालते हैं कि देखिए सुनेको का योग क्या होता है। तो देखिए सुनेको का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है हम लोग का माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी का मान हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 दिया हुआ है, ये माइनस और एक्स्ट्रा है यानी माइनस का 2 हम लोग दे दिए। अब बट्टा में ए, ए बराबर क्या है तो 1 है तो 1 लिख दिए, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, शून्यको का गुणनफल निकालेंगे, शून्यको का गुणनफल, शून्यको का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी सी बराबर क्या होगा, तो c बराबर हम लोग का हो जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे। a बराबर क्या है, तो a बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे, यानी सुनेको का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या आया है, हम लोग का ये आया हुआ है, आया है ना। तो यानी लिख सकते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग का क्या आया है, 2, तो 2 लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है, 6, तो 6 लिख देंगे। 6 3 2 3 6 यानी 1/3 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत कुछ इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।